नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करें। आत्मचिंतन की इच्छा धैर्य का मंत्र उसके लिए लाभदायक है जिसके कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है और वे निराश होकर अपने विचार को ही बदल डालते हैं। यह निराशा तो मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है। इससे जीवन की धारा का प्रवाह मंद पड़ जाता है और वह किसी काम का नहीं रहता। यदि निराशा को त्याग कर विघ्नों का धैर्य पूर्वक सामना किया जाए तो असफलता का मुख नहीं देखना पड़े। जो लोग प्रत्यक्ष के पुण्यात्मा दिखाई देते हैं, वे भी बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसते देखे गए हैं। सत्युग में भी विपत्ति के अवसर आते रहते हैं। यह कौन जानता है कि जिस मनुष्य पर किस समय कौन विपत्ति आ पड़े। इसलिए दूसरों की विपत्तियों में सहायक होना ही कर्तव्य है। यदि कोई सहायता करने में किसी कारणवश समर्थ न हो तो भी विपत्ति ग्रस्त के प्रति सहानुभूति तो होनी ही चाहिए। विचारों का परिष्कार एवं प्रसार करने आप मनुष्य थे महामनुष्य दिव्य मनुष्य और यहाँ तक दिव्य ईश्वर तक प्राप्त कर सकते हैं। इस उपलब्धि में आने के लिए कोई अवरोध संसार में नहीं। यदि कोई अवरोध हो सकता है तो वह स्वयं का आलस्य प्रमाण असंभव अथवा आत्म अवज्ञा का भाव। इस अनंत शक्ति का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है और यह परमात्मा का पुण्य पथ सबके लिए प्रशस्त है। अब कोई उसे पर चले या न चले यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। कठिनाइयों को उनसे दूर भागकर दबड़ाकर दूर नहीं किया जा सकता। उनका खुलाकर सामना करना ही बचने का सरल रास्ता है। प्रसन्नता के लिए सात कठिनाइयों के वर्णन करना आंतरिक मानसिक शक्तियों के विकसित होने का राजमार्ग है। संसार के अधिकांश महापुरुष ने कठिनाइयों का स्वागत करके ही जीवन में महानता प्राप्त की है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव। आत्मचिंतन के साथ दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपना मन अपनी बात न माने यह कैसे हो सकता है। हम अपने आप को सुधार ही सकते हैं, अपने को सन्मार्ग पर चला ही सकते हैं। उससे दूसरा कोई क्या बाधा देगा। हम ऊंचे उठता है भी चाहते हैं और उसका साधन भी हमारे हाथ में है तो आत्म सुधार के लिए, आत्म निर्माण के लिए और आत्म विकास के लिए क्यों कटिबद्ध न हो। पाप की अवहेलना न करो, वह थोड़ा दिखते हुए भी बड़ा अनिष्ट कर डालता है। जैसा आग की छोटी सी चिंगारी भी मूल्यवान वस्तुओं के ठेर को जलाकर राख कर देती है, पला हुआ सांप कभी भी डस सकता है। इसी प्रकार मन में छिपा हुआ पाप कभी भी हमारे उज्जवल जीवन का नाश कर सकता है। अकर्मण्य की दुनिया में कमी नहीं है। स्वार्थियों की और दूतों का समुदाय सर्वत्र बड़ा पड़ा है। पशु प्रवृत्तियों का परिपोषण करने वाला और पतंग के गर्त के धकलने वाला वातावरण सर्व विद्यमान है। उसका घेरा ही बहु बंधन है। इस प्रास में झूठा सकते है क्षमता मात्र बुद्धिमत्ता में ही है। बुद्धिमत्ता अर्थात विवेकशीलता, दूरदर्शिता, इसी की उपासना में मनुष्य का लोक परलोक बनता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।